सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री व गोदाम खुले तौर पर चल रहे हैं। अभी ताज़ा मामला सामने आया है दिल्ली के बवाना क्षेत्र से, जहां शनिवार देर शाम एक अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से करीब 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। घटना स्थल पर दमकल की 30 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस भीषण घटना के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देर रात घटना स्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि की मदद देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि घटना में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के साथ घटित घटना पर गहरा दुख जताया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक मनोज जैन को अरेस्ट कर लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। खबरें और भी हैं खास, देखें दैनिक सवेरा के साथ।